सेठ वकार ने फैसला दिया था कि परवेज मुशर्रफ को फांसी की जाए, ये आइन का गद्दारी का मुर्तकब हुआ। अब इसको मारना भी उनके लिए ज़रूरी था, और अल्लामा साहब किसी की बात नहीं मानते थे, वो उसमें लचक नहीं थी, और उन्होंने इस दिन तो कहना था कि ये मेरी बात नहीं मानेंगे, अब फ्रांस के सफीर को नहीं भेजेंगे, फिर बताऊंगा कि फैजाबाद धरना हमें किसने कहा था। तो उससे एक बहुत बड़ा इंकशाफ हो रहा था, लोग चेहरे सामने आ रहे थे, तो उनकी डेथ हो गई। मैं दो बातें करता हूँ, एक सेठ वकार की जो अचानक मौत हो गई है, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, और एक अल्लामा साहब की। मैं दोनों को शक की निगाह से देखता हूँ। एमआई अपने आप को पाकिस्तान का ज़मीनी खुदा समझती है। इन लोगों के मारने का तजर्बा, कुछ जर्नेल सियासी हैं और जराइम पेशा हैं। जब बाजवा साहब और इमरान साहब के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है कि मैं आपको ठप्पे लगाकर 5 साल की वज़ीर आज़म बनाऊँगा, 1 साल मेरा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, 3 साल आपने सेशन में देने हैं, तो इस तरह वो मिल गए हैं और दोनों हुकूमत कर रहे हैं। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।